मैं डॉक्टर शोभित को ले लेना चाह रहा हूँ डिस्कशन में। डॉक्टर शोभित देश के जन प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञों में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कोविड की समस्या शुरू हुई और उसके पहले से भी पिछले 8-10 महीने से इन्होंने अपना जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल थे, इन्होंने जनरल कोरोना के से जो लोग दिक्कत हो रही थी उनकी एक बहुत बड़ी सेवा के रूप में किया है, क्योंकि इस समय वो प्रोफेशनल उससे बाहर निकल के इन्होंने लोगों को जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों का मेडिकेशन ये खुद हैंडल किया है। सीधे आपसे क्योंकि अभी वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और खास करके जिसको जो लेटर पार्ट है वो तो बाद में आएगा, अभी हम लोग ठीक से वो है, आपका इनिशियल कमेंट ले लें, फिर मेरे 2-3 प्रश्न है आपसे भी। मेरा इनिशियल कमेंट तो ये है कि जो हम लोग ने वैक्सीन डिप्लोमेसी करी, डोजेज बाहर भेजी देश के, मेरे हिसाब से वो रॉन्ग मूव था। वो 18 से 44 जो कैटेगरी कही जा रही है उस पे डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा मोबाइल थी और मैक्सिमम घरों में इंफेक्शन उसके माध्यम से भी पहुंचा। तो इसका मेरे हिसाब से एक अहम रोल होता कि इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल होता। क्रिटिसाइज करना वर्थ इट नहीं है, बट मेरे को लगता है पॉलिसीज में बहुत जगह लैप्स हुआ है, और सबसे ज्यादा लैक्सिटी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान हुई है, जिस समय हम लोग को अपने वैक्सीन प्रोग्राम को एकदम सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए था और प्रिपेयरनेस फॉर द सेकेंड वेव। दो चीजों में हम लोग लैक करें। मेरा एज अ बाईस्टैंडर, मैं कहूंगा आम आदमी की तरह मेरा ये ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर शोभित, एक मैं क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं और मैं अपने दर्शकों को भी चाहूंगा कि उनको ये तक एक इसके बाद एक आया था और आपके भी मैंने पेपर्स पढ़े थे जहां पे पोस्ट कोविड, मैं वैक्सीन से हटके जरा आपसे अपने मुझे लालच आ रहा है कि बात कर लूं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो रहे हैं, आइस को भी लेके हो रहा है, हार्ट वाली प्रॉब्लम भी हो रही है, तो थोड़ा पहले आइस पे अगर आप बता दीजिए, क्योंकि एक वो बहुत से लोगों को अननोटिस चला जाएगा, वैसे बहुत से लोग हैं जिनको। ये वेल नोन फैक्ट है कि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स इस वायरस के एक कैरेक्टरिस्टिक रही है, जिसमें पेशेंट का सीआरपी और डीडाइमर दो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, सूजन के मार्कर्स होते हैं बॉडी में, जो बढ़ जाते हैं इस इन्फेक्शन में। ये वही मार्कर्स हैं जो और बीमारियों में भी बढ़ते हैं, पर जब यहां बढ़ते हैं तो ये उसी तरह हार्ट और मेजर ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आंख की ब्लड वेसल सबसे ज्यादा नोटिसेबल होती है। देखिए, रेटिना इज लाइक एक आईना है, रेटिना पूरी बॉडी का। रेटिना देख के आप पेशेंट का डायबिटीज का स्टेटस बताते हैं, हाई ब्लड का स्टेटस बताते हैं, किडनी डिजीज, बहुत सी ब्रेन की बीमारियां। उसी तरह क्योंकि कोगुलेबिलिटी बढ़ती है तो ये वेन ऑक्लूजन करता है, जो हम लोग फर्स्ट वेव में देख रहे थे। सो आर्टीरियल ऑक्लूजन के दो कारण है इसमें, एक आर्टीरियल ऑक्लूजन इन दोनों इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से है, और दूसरा जो आप सुन रहे हैं जो बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में है, वो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। अब म्यूकर माइकोसिस और ऑक्लूजन का कारण बिल्कुल अलग अलग। म्यूकर माइकोसिस होती है ट्यूबिंग्स जो होती है उसमें, ज्यादातर आपको मालूम है ये पैंडेमिक का टाइम है, हर हॉस्पिटल में हर समय नई ट्यूबिंग्स नहीं इस्तेमाल हो रही होंगी, मास्क, ट्यूबिंग्स, वाटर रिजर्वोयर्स जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं ऑक्सीजन में, उनमें अगर टैप वाटर, म्यूकर एक ऐसा वायरस फंगस है जो सब जगह रहता है एनवायरमेंट में, हम लोग के ट्रैक्ट में भी रहता है, नेजल ट्रैक्ट में। जब पेशेंट इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाता है स्टेरॉइड की वजह से और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जैसे एंटीबॉडीज या इत्यादि उसकी लाइफ को सेव करने के लिए दी जाती हैं, साथ में उसका जब ब्लड शुगर भी डिस्टर्ब हो जाता है,
तो एक ये ट्रायड बन और हाई फ्लो ऑक्सीजन भी चल रही होती है, तो एक ये ट्रायड बन जाता है जिसकी वजह से ये फंगस करता है साइनसेस में, और जहां आंख का एब्सोल्युटली एपेक्स होता है उसको ऑर्बिटल एपेक्स कहते हैं, जो एक संगम है ब्रेन और आई के पूरे अपरेटस के बीच, उसको इन्वॉल्व करता है। वहां तक कहानी ठीक रहती है जिसमें हो भी सकता है या नहीं भी। अब इधर नए ट्रीटमेंट और नई एक पद्धति आ गई है जहां एम्फियोटेरिसिन बी को हम लोग पेरिबल्बर भी दे रहे हैं आंख के पास अगर ऑक्लूजन नहीं हुआ है। ये कुछ नई हमारे सर्कल्स में बात हो रही है और अच्छा सक्सेस मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है एम्फियोटेरिसिन बी जो बहुत कम मात्रा में इस कंट्री में प्रोड्यूस होती थी और बिकती भी नहीं थी, अब वो मिली नहीं रही है। तो पर यही फंगस जब ग्रो कर जाता है बेस ऑफ ब्रेन और साइनसेस के थ्रू एक एथमॉइडल साइनस और ब्रेन के अंदर, देन मोर्टैलिटी 80-90% हो जाती है। तो ब्लाइंडनेस तब एक साइड इश्यू रह जाता है। डॉक्टर शोभित, एक थोड़ा एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे मन में आ रहा है, और आप आपने दोनों साइड ऑफ वो देखा है। आपने अपनी पढ़ाई की थी बोलिए। यूके की, आपने रेजिडेंशिप वहीं से की, और उसके बाद आप शंकर नेत्रालय गए। आज आप एक खुद अपना एक बड़ा प्राइवेट आई हॉस्पिटल चला रहे हैं, प्राइवेट या जो आपकी ट्रस्ट है उस संस्था का है, नॉट प्राइवेट इन टूसन। हाँ नो लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पब्लिक हेल्थ के लिए जो अभी जो भी हुआ इस समय पिछले एक साल में, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने कमाल का काम किया, वहां के हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स ने, बहुत और खास करके वो जो जूनियर डॉक्टर्स की फौज है उसने तो मतलब अद्भुत काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं अब सब सरकार बंद कर दो, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, पब्लिक हेल्थ इज वन इशू जहां पे थोड़ा सरकारी उसकी और जरूरत है, यू नीड मोर फंड्स इन दी पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मैं इसके लिए एक अलग टर्म यूज करना चाहूंगा। आप पब्लिक हेल्थ को गवर्नमेंट के परव्यू में रखिए, बट उसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैव मोर टेक्नोक्रेट्स एंड हैव मोर हेल्थ पीपल इन्वॉल्व। वी हैव फैंटास्टिक ब्रेन्स टुडे, इन्वॉल्व पीपल लाइक डॉक्टर देवी शेट्टी हु हैव टेकन, जिन्होंने एक प्राइवेट को गवर्नमेंट मॉडल की तरह रन करके कॉस्ट कंट्रोल और हर तरह आम पब्लिक को प्रोवाइड किया है। शंकर नेत्रालय, नारायणा, ये सब उसके मॉडल्स हैं। दिशा आई हॉस्पिटल एक और मॉडल है वेस्ट बंगाल में, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आई सर्जरीज करता है। एक मॉडल चित्रकूट में बगल में है। तो इन सबको मॉडल लेके आप पब्लिक हेल्थ को कॉरपोरेट की तरह रन करिए, बट विद टोटल आंसरेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। इट विल आंसर टू द गवर्नमेंट इन एवरी वे, पर साथ में रन करेगा एक कॉरपोरेट। बात समझ में आती है। और एक संक्षेप में अंतिम प्रश्न, ये जो थर्ड वेव का एक डर आ रहा है, क्योंकि देखिए सेकंड वेव का मान लीजिए अब लोग ये कह सकते हैं भाई फर्स्ट वेव आई, लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए, आराम से सरकार भी हो गई, हम लोग भी आराम से हो गए, लेकिन अब तो थर्ड वेव का लोग कह रहे हैं कि ये आ रही है और ज्यादा जानलेवा हो सकती है। तो आपको लगता है कि कुछ इस थर्ड वेव आने की बात? देखिए, क्लासिकली अगर देखा गया है, आपकी नॉलेज को मैं मार्वल करता हूँ हिस्ट्री पे, जब भी मैं आपके वीडियोस देखता हूँ हर समय, और स्टैटिस्टिक्स पे। मेरे हिसाब से थर्ड वेव्स क्लासिकली हमेशा वीकर रही है एज कंपेयर टू द सेकेंड वेव, अगर हम लोग उसको, बट हम लोग को अपना गार्ड नहीं लूज करना है। हम लोग को लाइफ को नॉर्मलाइज करना है, वर्किंग को नॉर्मलाइज करना है, थर्ड वेव को साथ में लेते हुए, जो बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी इजी टू से बट टू अचीव, वो वाली अवेयरनेस मैं आज सुनता हूं जब मैं अपने ड्राइवर से बात करता हूं या और लोगों के स्टाफ से बात करता हूं, घरों के स्टाफ से, वो बता रहे हैं उनके पूरे पूरे गांव में लोग बीमार पड़े, पर सरप्राइजिंगली वो कह रहे हैं कि वहां इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं हो रही जो उनके मुंह से सुना जा रहा है। इसका मतलब देर ऑलरेडी जैसे ये वायरस और विस्तृत तौर में स्प्रेड कर रहा है, मॉर्टेलिटी को डेंट कर रहा है।
मॉर्टेलिटी कम होती जा रही है। मेरे हिसाब से थर्ड वेव विल बी अ रियलिटी, बट उस रियलिटी को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है और साथ में प्रिकॉशंस पूरे लेने। थैंक यू डॉक्टर शोभित, थैंक सो मच, आपने इतने व्यस्त समय से समय निकाला और ये छोटे मोटे बहुत इश्यूज थे जो वो थे, कहीं एक दिन आपसे अलग से केवल पोस्ट कोविड की जो प्रिकॉशंस और वो है उस पर अलग से बात करेंगे।